जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, 15 अगस्त या 16 अगस्त को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस व्रत का क्या महत्व है। व्रत पारण का समय क्या रहेगा। इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं। तब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तब संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उसमें से एक है सावन महीने की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा, स्वस्थ, दीर्घ आयु प्रदान करने वाली मानी गई है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। आइए जानते हैं सावन महीने की पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त की है या 16 अगस्त की। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तब इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगा और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:49 पर समापन होगा। तब उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर सुबह 10:47 के बीच में पूजा की जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके अवतारों की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलहार करें और व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर उसके बाद व्रत का पारण करें। ऐसा कहा गया है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के बीच में किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से आपको भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महीसजीत महीसमती को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर जाती है। हारे के सहारे की जय, तीन बांध धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदा तार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।